नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक लड़की ने सरेआम पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये मामला कोहना थाना क्षेत्र में कानपुर के गंगा बैराज का बताया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कानपुर में एक बार फिर पुलिस के कानून पे सवाल उठ रहा है, जहां एक लड़की ने सरेआम पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। घटना के वक्त तो पुलिस चुप्पी साध गई, लेकिन अब वायरल वीडियो के आधार पे अज्ञात लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। मामला कोहना थाना क्षेत्र के कानपुर के गंगा बैराज का है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस लड़की को जांच के लिए रोका था। जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस गंगा बैराज पे चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक लड़की बिना नंबर की स्कूटी से वहां पहुंची। पुलिस ने लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। ऐसे में पुलिस ने घेर कर रोकने की कोशिश की तो लड़की की स्कूटी गिर गई। ऐसे में लड़की ने पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे ताबड़तोड़ तमाचे मारने लगी, जिसके बाद पुलिस वाले भी पीछे हट गए और फिर लड़की ने स्कूटी उठाया और वहां से चलती बनी। इस घटना के वक्त मौके पे काफी लोग मौजूद थे। इन्हीं में से किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने इस अज्ञात लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि कानपुर का गंगा बैराज का इलाका स्टंट बाजों और रील बनाने को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने गंगा बैराज पे गश्त बढ़ा थाने के साथ रूटीन चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार पर लड़की की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर यूपी पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग इस वायरल वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके के कमेंट भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।